अगर जनता को तकलीफ पड़ेगी और ऐसी परिस्थितियाँ आप खड़ी करेंगे तो एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के तहत, जिसको शार्ट में ESMA बोलते हैं, उसके तहत कार्रवाई भी की जाएगी और उसके प्रावधानों के मुताबिक 1 वर्ष तक की सज़ा होने का भी उसमें प्रावधान है। जो कर्मचारी काम पे आना चाहते हैं, जो कर्मचारी काम करना चाहते हैं, जैसा मैंने कहा, बहुतायत कर्मचारी काम पे बने रहने का उन्होंने संकेत दिया है, उन्होंने संकल्प लिया है। ऐसे कर्मचारियों को अगर कोई व्यक्ति रोकता है, रोक टोक करता है, कोई उन्हें बाधित करता है काम करने में, या उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, कानून अपने हाथ में लेता है, ऐसे लोगों के विरुद्ध, भले ही वो हमारे कर्मचारी ही क्यों न हो, भले ही कर्मचारी संगठनों के नेता क्यों न हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर हमारे किसी कर्मचारी को काम करने से रोका जाएगा या हमारी किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो उसके खिलाफ NSA या RASUKA सहित तमाम कानूनी प्रावधानों के अनुसार हम निपटने को तैयार हैं और तब उससे बहुत सख्ती से हम निपटेंगे। हमने माननीय मुख्य सचिव ने, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार माननीय मुख्य सचिव ने और राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने और हमारे अधिकारियों ने, UPPCL के चेयरमैन, MD सहित सभी अधिकारियों ने, ACS सहित सभी अधिकारियों ने, पुलिस और जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर के साथ संयुक्त रूप से VC करके उन लोगों को अलर्ट भी कर दिया गया है। आज की अंतिम हम लोग आज वार्ता किए, आज भी हमने लगभग 2 घंटे वार्ता किया, उम्मीद थी कि बात बन जाएगी, बात नहीं बनती दिख रही है। तो उस दृष्टि से हम जिलाधिकारी और जिला प्रशासन को, पुलिस को पूरी तरह से हमने सतर्क किया हुआ है कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे उनका नेता हो, अगर कानून हाथ में लेता है या हमारी संपत्ति को नुकसान करता है या कुछ ऐसा करता है कि हमारी जो वैकल्पिक व्यवस्था है, कई जगह मैंने सुना है और पीछे की हड़तालों में भी सुना है कि कई जगह ये लोग कुछ ऐसा कर देते हैं कि नया अगर व्यक्ति उस पर काम करना भी चाहे तो उसको तकलीफ पड़ती है, ऐसे किसी भी प्रयास पर हम सख्ती से निपटेंगे, सख्ती से कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं।